एक बार की बात है, कैलाशपुर गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा का पति उसके विवाह के 2 साल बाद ही गुजर गया था। तभी से राधा अपनी इकलौती बेटी आरजू के साथ अकेली ही रहती थी। राधा के पास ज्यादा जमीन जायदाद ना होने की वजह से वह लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाती थी और अपनी बेटी आरजू को पढ़ाई करवाती थी। एक दिन आरजू लेट तक सो रही थी और ऊपर से उसका कॉलेज का समय हो गया था। अरे आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? क्या हुआ, तुम अभी तक सो रही हो? माँ मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, कल रात बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी, इस वजह से थकावट से आज मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। इतना कहकर वो मुंह पर चादर लेकर सो गई। राधा ने कुछ देर तक उसे जगाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं उठी। दरअसल आरजू का यह रोज का काम था, वह बस पूरा दिन सोने और खाने में ही लगी रही। एक दिन आरजू कॉलेज से आते ही राधा पर गुस्सा करने लगी। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरी कॉलेज की फीस भर दो, लेकिन आपने मेरी बात की गौर तक नहीं की। आज मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। बिटिया मैंने तुझे पिछले महीने ही तो पैसे दिए थे, अपनी आधी फीस जमा कर दो। तभी तुमने कहा था कि प्रिंसिपल ने कहा है आधी फीस 4 महीने बाद भरनी है, फिर अभी ये सब अचानक कैसे हो गया? वो सब मैं नहीं जानती, अब मुझे कल के कल पैसे ला कर दे, मेरी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई कि एक दिन में वह इतने पैसे कहाँ से लाएगी। वो उस खेत के मालिक के पास गई जहाँ पर वो काम करती थी। मालिक मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी बेटी की फीस देनी है। जब तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है तो अपनी बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ाना जरूरी था क्या? देखो राधा, तुमने खेतों में जितना भी काम किया था उसका हिसाब मैं पहले ही कर चुका हूँ। राधा की आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। अरे रुको, ठीक है मैं तुम्हें फीस भरने के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे घर पर रोज आकर बर्तन साफ करके जाना पड़ेगा। क्या तू ऐसा कर पाएगी? जी मालिक, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। राधा अपनी भीगी आंखों से जमींदार के पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। ये लो बिटिया पैसे, कल तुम अपनी फीस भर देना। अरे वाह, इतनी जल्दी ले आई पैसे? क्यों माँ आप भी, जब पैसे होते हैं फिर भी मना क्यों करती हो? पहले ही लाकर दे देती तो मुझे गुस्सा नहीं आता ना। आरजू पैसे लेकर अंदर चली जाती है और राधा कल रात वाली सूखी रोटी लेकर खाने लगती है। वो बेचारी सुबह से भूखी प्यासी दौड़ रही थी। अगले दिन आरजू कॉलेज चली जाती है और वहां जाकर अपनी सहेली रीमा से कहती है, देखो रीमा मैंने तो अपना वादा पूरा किया, आज मेरा दिन था ना पार्टी करने का, तो देखो मैं पैसे ले आई, चलो अब बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाओ और पार्टी करने चले। आरजू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और सारे पैसे उड़ा देती है। शाम को आरजू घर आती है। आ गई बिटिया, चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं माँ मेरा मन नहीं है, आप ही पी लो बनाकर। और हाँ मुझे अपने कमरे में आराम करने जाना है, मुझे बार बार आवाज लगाकर तंग मत करना। इतना कहकर आरजू चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल इसे, लगता है पढ़ाई की वजह से चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई है। कुछ देर बाद राधा जमींदार के घर उनके घर का काम करने के लिए जाती है। क्यों री राधा, इतनी लेट कैसे आई? हम क्या तुम्हारा इंतजार करते रहे यहाँ? मालिक माफ कर दीजिए, वो थोड़ी लेट हो गई। मुझे कुछ ना पता, अगर दोबारा लेट आई तो तू अपना हिसाब देख लेना। राधा दुखी मन से उनके घर का काम खत्म करके वापस आ जाती है और बिना खाना खाए ही सो जाती है। दूसरे दिन राधा कपड़े सुखा रही थी तभी आरजू की कुछ सहेली आती है। आरजू कहाँ पर है आंटी जी? बेटा वो सो रही है, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बस यूं ही मिलने के लिए चली आई। ठीक है आंटी जी, हम बाद में आते हैं, इतने में आरजू भी उठ जाएगी। कुछ देर बाद राधा खेत में काम करने जा रही थी तभी आरजू आवाज देती है, रुको माँ
अम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। बिटिया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद जब जमींदार के खेतों का हिसाब करेंगे तब मैं दे दूंगी, तब तक तुम रीमा की किताबें पढ़ लो। पागल हो क्या माँ, मुझे नहीं पता, आप मुझे पैसे लाकर दीजिए वरना मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। पता है सबके पास किताबें हैं और मैं ऐसे बिना किताबें जाऊंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होती है। इतना कहकर आरजू रोने लगती है। बिटिया तुम रो मत, मैं तुम्हें किताबें लाकर दूंगी। तुम एक पर्ची पर किताब का नाम लिख दो, मैं बाजार से ले आऊंगी और बनिए से उधार भी ले लूंगी। राधा बेचारी मायूस हो जाती है और दुखी होकर सोचने लगती है कि आखिर वो पैसे कहाँ से लाए, अब जमींदार जी भी नहीं देने वाले। उधर आरजू रोने का नाटक कर रही थी। राधा अंदर जाती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर बाजार के लिए निकल जाती है। एक सुनार की दुकान पर राधा अपना मंगलसूत्र देते हुए कहती है, भाई साहब इस मंगलसूत्र को बेचना है। क्यों रे छोरी, चोरी का तो नहीं है ना, क्योंकि कोई भी औरत अपना मंगलसूत्र नहीं बेचती है। नहीं भाई, भला मैं क्यों चोरी करूंगी। राधा अपने मन में सोचती है कि एक बार ये मंगलसूत्र बेचकर आरजू की पढ़ाई पूरी करवा दूं, फिर जब वह नौकरी करने लग जाएगी तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहन जी इसके मैं आपको 5,000 दूंगा। भाई साहब दे दीजिए। राधा पैसे लेकर घर आती है और आरजू को पैसे दे देती है। आरजू पैसे लेकर खुशी खुशी कॉलेज चली जाती है। राधा खेत में काम करने चली जाती है। कुछ देर बाद आरजू और उसके फ्रेंड्स पार्टी करने निकल ही रहे होते हैं, तभी रीमा बोलती है, अरे क्यों ना हम लोग आज खेतों के रास्ते चले, साथ में कुछ मस्ती भी कर लेंगे। सब लोगों को उसकी ये बात पसंद आई और वो लोग निकल पड़े। जैसे ही वे लोग जमींदार के खेत के पास पहुँचे तो आरजू की नजर अपनी माँ राधा पर पड़ी, जो इतनी गर्मी और धूप में खेतों में काम कर रही थी। आरजू की आंखों से आंसू निकल पड़े, वो अपनी माँ के पास चली गई। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बिना आपकी हालत देखे जिद करती थी और पैसे उड़ाने में लगी रही। राधा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसकी बेटी इससे इतने दिन झूठ बोल रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि आखिर देर से ही सही पर आरजू को समझ आ गई। अब आरजू अच्छे से पढ़ाई भी कर रही थी और माँ को काम में हाथ भी बटा रही थी।